गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और आज मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको सीएसएस की एक प्रॉपर्टी जो है आउटलाइन, उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आउटलाइन के जैसे आउटलाइन वो होता है जो बॉर्डर के ऊपर लगता है। जैसे बॉर्डर लगाना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था सीएसएस के थ्रू किसी HTML5 के हेडिंग या पैराग्राफ टैग पर। तो इसके बाद बॉर्डर के ऊपर आउटलाइन लगानी हो तो वो कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक चार्ट पर जो मैंने css outline.html के नाम से बना के रखी है। देखिए, इसमें css outline ट्यूटोरियल में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। जब भी आपको स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर आउटलाइन के बारे में बताना है, आउटलाइन की विड्थ, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं आउटलाइन विड्थ यानी आउटलाइन की मोटाई या कह सकते हैं थिकनेस, आउटलाइन स्टाइल मतलब आउटलाइन सॉलिड है या मीन सॉलिड का मतलब कंटिन्यू है या फिर ग्रूव्ड है या डैश्ड है डॉटेड है, अलग अलग टाइप के इसमें जो कि बॉर्डर में यूज होते थे वही इसमें भी अलग अलग टाइप के उसके वैल्यू होते हैं। आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर आप जो रिक्वायरमेंट हो या जैसी आपकी मर्जी हो वैसे डाल सकते हैं आप, ग्रीन येलो ब्लू और जो भी कलर आप चाहें, कलर कोड के थ्रू चाहे नॉर्मली कलर का नाम लिख के भी आप उसे यूज कर सकते हैं। आउटलाइन ऑफसेट, इसकी नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ना हमारे सिलेबस में है ये, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब टाइप्स ऑफ CSS आउटलाइन स्टाइल, ये वही सब स्टाइल्स हैं जो मैंने आपको CSS बॉर्डर के आउटलाइन स्टाइल में CSS बॉर्डर स्टाइल में बताया था, सॉलिड डॉटेड डैश डबल ग्रू रिज इनसेट आउटसेट नन। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा खुद, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूँ कैसे होता है। और CSS आउटलाइन का शॉर्ट हैंड होता है आउटलाइन, सपोज मान लीजिए कि हमने किसी हेडिंग टैग के अंदर ये तीनों पॉइंट्स लिखकर तीनों प्रॉपर्टीज लिखी, आउटलाइन विड्थ 5 पिक्सल, आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, आउटलाइन कलर ग्रीन। तो अब उसके ऊपर ग्रीन कलर का आउटलाइन आएगा जो भी आपने टैग लिया है वहाँ पे, चाहे हेडिंग टैग हो, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, जो भी टैग हो, और या तो फिर आपका कोई पैराग्राफ टैग हो उसके ऊपर आप आउटलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो बॉर्डर लगा होना चाहिए उसके उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है आउटलाइन विथ, जस्ट जैसे आप बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर लिख रहे थे उसी तरह से इसको भी आपको कोडिंग करनी है। और इक्वल नहीं लगाना है, वैल्यू के बीच में कोलन का यूज करना है और लास्ट में सेमी कोलन का यूज। अब इसका शॉर्ट हैंड देखते हैं, तो जैसे कि बॉर्डर मैंने देखा था सबसे पहले थिकनेस यानी कि विथ लिखा जाता है, तो यहाँ पर आउटलाइन लिखा बॉर्डर की जगह और कोलन लगाया, इसके बाद 5px यानी कि मैंने 5 पिक्सल उसकी थिकनेस रखी या मोटाई रखी जिस भी टैग पे मैं इसको लगाने जा रहा हूँ आउटलाइन को। और सॉलिड वो उसका जो स्टाइल है वो सॉलिड टाइप का है, मतलब कंटिन्यू एक स्ट्रेट लाइन के टाइप से है, और कलर है ग्रीन। तो इस तरह से ये शॉर्ट हैंड अभी आप लिख के मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देंगे उस टैग के अनुसार, तो आपको सही आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने पहले से नोटपैड प्लस प्लस पे कोडिंग करके रखी है तो वो मैं आपको देख के समझाता हूँ। सबसे पहले HTML5 का डिक्लेरेशन डॉग टाइप HTML देना कभी मत भूलिएगा। इसके बाद HTML और HTML ओपन हुआ टैग, ये सिंटैक्स तो आपको मैंने पढ़ाई दिया है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया HTML5 में। HTML के बाद हेड सेक्शन ओपन होता है, हेड के अंदर मैंने स्टाइल टैग लगाया और H1 यानी कि H1 इसमें मैंने आपको हेडिंग ली है तो H1 में मैंने लिखा है सुशांत उपाध्याय, तो सुशांत उपाध्याय के चारों ओर आउटलाइन लगेगा। और इसके इसी की तरह P एक पैराग्राफ टैग मैंने लिया है और उसको लोरम इप्सम टेक्स्ट जनरेटर के थ्रू मैंने कुछ डमी टेक्स्ट उसमें लिख दिया है। तो अब इसमें आउटलाइन का मैंने शॉर्ट हैंड लगाया है 5 पिक्सल यानी कि वो उसकी थिकनेस जो आउटलाइन की थिकनेस है मोटाई है वो 5 पिक्सल रहेगी
और वो ग्रूव्ड टाइप का रहेगा। ग्रूव ग्रूव मीन्स जैसे लकड़ी के खांचे में ग्रूव बना रहता है, एक तरीके से कह सकते हैं छेद बने रहते हैं या होल बने रहते हैं, या उसकी कटाई इस टाइप से होती है तो उसको ग्रूव कहते हैं। वही सिंपल मीनिंग यहाँ पे भी ग्रूव का वही है। और अगर आप 3D में इसे देखते तो आपको क्लियर हो जाता, लेकिन मैं 3D में फ़िलहाल नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन आप 3D में अगर कहीं देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ग्रूव कैसा होता है। फिर कलर मैंने ग्रीन दिया है पैराग्राफ टेक्स्ट का, तो सॉरी पैराग्राफ में जो आउटलाइन लग रहा है, तो इस तरह से वो फाइल बनेगी। अभी इस फाइल को मैंने सेव करके रखा हुआ है CSS आउटलाइन ट्यूटोरियल डॉट HTML के नाम से डेस्कटॉप पे। तो आपको समझाने के लिए मैं अगेन कर दे रहा हूँ, फाइल में गए, फाइल मेनू में और सेव एज पे क्लिक किया। इसके बाद आप उसे डेस्कटॉप पे ही रखिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे रखने से ही आप आसानी से उसे खोल सकते हैं। और अब यहाँ पे आपने लगा दिया एक्सटेंशन डॉट HTML जो कि मैंने पहले से बना रखी है। अब इसको सेव करा दिया मैंने और कह रहा है CSS आउटलाइन ट्यूटोरियल डॉट HTML ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस इट, तो आप कर दीजिए यस। फिर यहाँ से और इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पे CSS आउटलाइन ट्यूटोरियल की फाइल जो मैंने बनाई थी वो यहाँ ओपन हो गई। और देखिए सुशांत उपाध्याय के चारों ओर मैंने 10 पिक्सल का आउटलाइन लगाया था तो वो लग गया है। और इसके अलावा उस जो हेडिंग थी उसमें सुशांत उपाध्याय टेक्स्ट था, तो उसके चारों 10 पिक्सल का आउटलाइन लग गया है। और उसका जो मैंने स्टाइल दिया था वो सॉलिड था, यानी कि स्ट्रेट लाइन की तरह, तो वो इसी तरह से मिल रहा है हमको। और कलर रेड दिया था तो रेड कलर का हमें आउटलाइन मिला। इसी तरह से मैंने डमी टेक्स्ट लिया था पैराग्राफ टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग लगा के, तो उसके उसकी जो मैंने आउटलाइन बनाई थी वो थी ग्रीन। सबसे पहले मैंने उसको थिकनेस दी थी शायद 5 पिक्सल, हाँ 5 पिक्सल मैंने थिकनेस दी थी, तो 5 पिक्सल का उसका थिकनेस आ रहा है आउटलाइन का। इसके बाद उसका मैंने टाइप डिक्लेयर किया था, स्टाइल डिक्लेयर किया था, तो स्टाइल उसकी आपको दिख रही है सॉलिड, और सॉरी ग्रू ग्रू डिक्लेयर किया था, तो ग्रू टाइप का आपको दिख रहा है। मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे लकड़ी के खांचे में बना रहता है उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रूव इसी प्रकार का बना है आउटलाइन जो है ग्रीन कलर वाला। इसके बाद उसको कलर मैंने ग्रीन दिया था तो वो ग्रीन कलर में टाइप हो गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आउटलाइन कैसे लगता है। आपको बाकी जितने भी स्टाइल हैं उनसे आप अलग अलग लेके प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक बार बिना शॉर्ट हैंड लगाए भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा आउटलाइन के शॉर्ट हैंड को लगाए बिना, कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें सबसे पहले आपको लिखना है आउटलाइन विद, आउटलाइन हाइफन विद इट, स्पेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आउटलाइन हाइफन स्टाइल, फिर आउटलाइन हाइफन कलर, ये तीन चीज़ें जैसे बॉर्डर में आप कर रहे थे कोडिंग, कोलन लगा लगा के इसके बाद, और फिर उसमें आप वैल्यू दे देते हैं। जैसे सपोज विड्थ में आपने पिक्सल में वैल्यू दी 5 और स्टाइल में आपने लिख दिया डैश्ड, तो डैश्ड टाइप का आपका आउटलाइन मिलेगा। इसी तरह फिर कलर आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो दे दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और न समझ में आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7897254607 पे क्लिक करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार आप लोगों को दिया लेकिन आप लोगों का कभी किसी का फ़ोन नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप लोगों को इंटरेस्ट है पढ़ने में तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए कभी, और इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट सिंसियर हैं और कुछ सीखने की चाहत रखते हैं। तो और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लाइक कीजिए और अपने अपने
जो दोस्त हैं उनको भी दिखाइए, ओ लेवल और ए लेवल और बी सी ए, इन तीन कोर्सेज के लिए स्पेशली मैं आपको ये मॉड्यूल्स है, ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस कोर्स को सीरियसली लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। टेक केयर, गुड मॉर्निंग, कीप सेफ, बी सेफ एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। अगेन गुड बाय डियर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। आई एम टाइपिंग हियर द नेम ऑफ दैट चैनल। ये मेरा व्हाट्सएप या इमरजेंसी में आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ये मैंने आपको बता दिया, 7897254607। इसके बाद IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको भी आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक्स दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर सीमित करते हैं, ओवर करते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा मॉर्निंग में ही या इवनिंग में, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, और उसमें मैं आपको CSS की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी कोई क्वेरी हो, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे आपको जो भी कोई क्वेरी हो, कुछ न समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कॉल या चैट करके इस नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक्स अगेन, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, गुड बाय, कीप सेफ, बी सेफ एंड सॉरी बी सेफ एंड की सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ।